Hello children, I am Meenakshi from Kinder Vidyalaya Kailasha, and today in this video we are going to understand the question answer of wonderful wave. So let's start. Our first question is like this: what were the preparation in the palace for? The answer is like this: there were preparation for a grand feast in palace. In this question, the writer wants to ask us the what were the preparation in the palace for? किस चीज की तैयारियां चल रही थी पैलेस में, महल में किस चीज की तैयारियां चल रही थी? तो हमने स्टोरी में पढ़ा था कि जो महाराजा थे ट्रेवनकोर के, उन्होंने अपने महल में एक बहुत बड़ी ग्रैंड फीस्ट डिनर का प्रिपरेशन चल रही थी, उसी की उन्होंने सबको इनवाइट किया था कि आज रात को मेरे घर पे एक ग्रैंड फीस्ट डिनर होगा जिसमें सब लोग आएंगे। तो महल में उसी की तैयारियां प्रिपरेशन चल रही थी, देयर वर प्रिपरेशन फॉर अ ग्रैंड फीस्ट इन पैलेस। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक दिस: व्हाई डिड द महाराजा गो इनटू द किचन इन द आफ्टरनून? शाम के समय जो महाराजा थे वो किचन में क्यों गए थे, क्या देखने के लिए गए थे? आंसर: द महाराजा वेंट इनटू द किचन टू सी व्हाट डिशेस हैड बीन प्रिपेयर्ड फॉर द फीस्ट। जो महाराजा थे शाम के समय किचन में इसीलिए गए थे, वो उन तैयारियों को देखने गए थे जो रात को मैंने फीस्ट पे लोगों को इनवाइट किया है उसके लिए क्या तैयारियां चल रही हैं, क्या डिशेस पकाई जा रही है, किस प्रकार से तैयारियां चल रही, यही सब देखने के लिए महाराजा शाम को किचन में पूरा सर्वे और स्टडी एग्जामिन करने गए थे। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक दिस: व्हाट हैड द कुक प्लान टू डू विद द वेजिटेबल स्क्रैप्स? जो कुक था उसने क्या प्लानिंग की थी कि मैं इन वेजिटेबल स्क्रैप्स के साथ क्या करूंगा? आंसर: द कुक हैड प्लान टू थ्रो अवे द वेजिटेबल स्क्रैप्स। जो कुक था उसने प्लानिंग की हुई थी कि वो वेजिटेबल स्क्रैप्स को फेंक देगा। अगर आपको याद होगा हमने स्टोरी में सुना था और समझा था इसको कि जब जो महाराजा थे वो किचन में एग्जामिन और स्टडी करने गए थे कि क्या तैयारियां चल रही है, तब उन्होंने बास्केट में पड़ी हुई बहुत सारे वेजिटेबल स्क्रैप्स को देखा और उन्होंने कुक से पूछा, भाई आप इसका क्या करने वाले? तो कुक ने बड़े आसानी से कह दिया, वी विल थ्रो देम अवे। और फिर राजा ने उनको डांट भी लगाई थी, आपको याद है ना। तो इस क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि जो कुक था उसने क्या प्लानिंग की थी वेजिटेबल स्क्रैप्स के साथ करने की, उनको कैसे क्या करना चाहता था वो उनके साथ। तो जो कुक था उसके पास यही प्लानिंग थी, वो वेजिटेबल स्क्रैप्स को फेंक देगा। तो कुक हैड प्लान टू थ्रो अवे द वेजिटेबल स्क्रैप्स। In the next question, state whether the following are true or false. In this question, we have to tell whether the sentence is true or false. So our first sentence is like this: the king had ordered a dinner in the palace. क्या king ने order किया था सबको अपने dinner पर बुलाने के लिए अपने महल में, क्योंकि महल में तो उसी की तैयारियां चल रही थी, उन्होंने इनवाइट किया था सबको कि ग्रैंड फीस्ट में आइए, डिनर पे आइए मेरे घर। तो ये सेंटेंस एकदम ट्रू है। नेक्स्ट इज नो वन हैड हर्ड ऑफ और टेस्टेड एविल बिफोर। ये बात भी बिल्कुल ठीक है, जब एविल जो डिश थी वो कुक ने तो तैयार की थी, उससे पहले किसी ने इसके बारे में सुना था, कभी देखा था, इसको टेस्ट किया था, नहीं किया था। तो ये बिल्कुल सच बात है कि उसी दिन पहली बार जब कुक ने वो डिश सर्व की तभी लोगों ने इसके बारे में पूछा और उसको पहली बार टेस्ट किया। तो दिस सेंटेंस इज आल्सो ट्रू। द नेक्स्ट सेंटेंस इज द कुक हैड प्लान टू मेक अनदर डिश यूजिंग द वेजिटेबल स्क्रैप्स। ये कुक की प्लानिंग थी कि वो एक नई डिश बनाने वाला था इन वेजिटेबल स्क्रैप्स, नहीं, राजा ने उसको यूटिलाइज करने के लिए बोला कि इन वेजिटेबल स्क्रैप्स को यूज कीजिए और तब कुक ने प्लानिंग बनाई कि मैं इसको बस वो सामान पे सामान डालते रहा और एक नई डिश बनकर तैयार हो गई। तो एकदम फॉल्स सेंटेंस है। आई होप यू अंडरस्टैंड द होल क्वेश्चन आंसर और द टोटल स्टोरी ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। वी हैव ऑल्सो डन द न्यू वर्ड्स ऑफ दिस चैप्टर। सो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।